चिराग, हाय हाय, I'm दिशा। माय पापा नोज योर पापा। हाँ, नाइस, अच्छा है, दैट इज गुड। क्या है ना कि ये सब मैंने किया है। ओह फैंटास्टिक। हाँ, फैंटास्टिक पार्टी प्लानर्स का ही कमाल है ये। बाय द वे, वेरी नाइस ड्रेस, कहाँ से ली? ये डिजाइनर ड्रेस है, फैशन फिएस्टा से। वेरी नाइस। ये तुम क्या कर रहे हो? ब्रेक डांस। वो क्या है ना, आज लाइफ में पहली बार किसी लड़की के सामने मेरा मेरा दिल ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए ब्रेक डांस। यू आर सो सो कूल।
Hey, gorgeous. पार्टी में सूखे सूखे एंट्री नहीं करते। Thanks. I don't drink. So what? ये चिराग की पार्टी है और यहाँ पे कोई ना नहीं बोलता। I don't want to drink. अगर तुम जिद्दी हो तो मैं डबल जिद्दी हूँ। अरे अजीब जबरदस्ती है। Baby, it's just one drink, यार। One shot. लो। I said leave me. लो। नजर हटी दुर्घटना घटी। ओ भाई मेरे छोड़ दो से। तुम बीच में मत आओ। That's like a good girl. देखा इसलिए मैंने बोला था छोड़ दे से। भाई उठो मेरी नहीं सुनी ना अब कुछ सुना नहीं देगा। कान के पर्दे फड़ गए क्या हो रहा है यार? And who are you? I'm Chirag, Chirag Mehta. And this is my party. कर ये चिराग मेहता है तुम कौन हो? चिराग, चिराग फुलंकी, फैंटास्टिक पार्टी प्लानर्स का मैनेजर, सीनियर मैनेजर। बेबी लिसन टू मी ना। सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। वो क्या रहा है? तुमने मेरी पार्टी में आके मेरे फ्रेंड पे हाथ उठाया। आई डोंट केयर, ये तुम्हारी पार्टी है और ये तुम्हारा फ्रेंड है। इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे जबरदस्ती ड्रिंक कराने की, जबरदस्ती टच करने की? ड्रिंक करना या ना करना ही मेरा डिसीजन है। एंड तुम लोगों को लगता होगा ना कि जो लोग ड्रिंक नहीं करते वो एक नंबर के लूजर्स होते हैं, उन्हें लाइफ को एंजॉय करना नहीं आता। बट यू नो व्हाट द फैक्ट इज, मुझ जैसे लोगों को लाइफ को एंजॉय करने के लिए नशे की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलरेडी हाई ऑन लाइफ, प्यार करती हूँ मैं जिंदगी से। यानी कोई ऐसा वैसा नशा नहीं है जो रात को चढ़ेगा और दिन में उतर जाएगा। ये ऐसा नशा है जो पूरे टाइम मेरे साथ रहता है, हरदम। आई थिंक जो लोग खुद एक नंबर के लूजर्स होते हैं ना, उन लोगों को नशे की जरूरत होती है अपनी लाइफ को सो कॉल्ड एंजॉय करने के लिए। अगर नहीं पीनी थी तो मत पीती, इस पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? Come on, so sorry बोलो। मैं बिना वजह सॉरी नहीं बोलती। अरे माफी मैं मांग लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक ही घर से है, एक ही बात है। भाई सॉरी, इसको माफ कर देना। ईशानी की तरफ से बहुत बहुत सॉरी। एक्चुअली क्या ना, इसके अंदर कभी कभी सनी देओल की आत्मा आ जाती है। अचानक से इसका हाथ 2.5 किलो का हो जाता है। मैं तो 2 बार खा चुका हूँ, तुम लकी हो कि तुमने सिर्फ एक ही बार खाया है। 1 सेकेंड, सॉरी। ठीक है, सॉर्टेड। तुम मेरे डैड की गेस्ट हो इसलिए बातियां खत्म कर रहा हूं। एंजॉय योरसेल्फ। उसने मुझे जबरदस्ती ड्रिंक कराने की कोशिश करी और सॉरी मैं बोलूं? समझता क्या अपना कोई चिराग चोपड़ा? चोपड़ा नहीं, मेहता। जो भी है, मुझे इसका नाम भी नहीं सुनना। मुझे ना इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, एक्चुअली तुम्हें आना नहीं चाहिए था। बेचारे का कम से कम मूड तो नहीं टूटता है ना? मैं क्या चाटा मारा उसको, एक चाटे में गिरा दिया। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस। हाँ हाँ, एक ही बात। इनफैक्ट बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और उन्होंने मुझे कहा था तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए, तो मैं वही कर रहा था। निभा ली ड्यूटी, अब चले। मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुक सकती। अरे तुम्हारा मूड खराब है तो दूसरों को तो एंजॉय करने दो, कम से कम बाद में चलेंगे ना सब लोग साथ में। और मुझ गरीब के बारे में तो सोच लो, घर पे होता तो सीरीज दिखता। यहाँ पे इतनी सारी प्यारी प्यारी लड़कियां एक साथ एक जगह पर कब देखने को मिलेंगी? अरे कभी तो अपना लुक चेंज कर लिया करो, एक ही एक्सप्रेशन देते रहती हो हर वक्त। संदीप तुम लोग पिटोगे मुझसे? कितनों को पिटोगे एक दिन में? चुप रहो, मेरे सर मत खाओ। हाँ हाँ, तुम्हारे सर में वैसे भी क्या रखा है? मुझे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा खाना है। मैं काम करता हूँ, कुछ जाके इंटरेस्टिंग सा लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुको। और प्लीज पीछे से किसी को पीटना मत, ओके? अगर तुम एक मिनट भी यहाँ पे रुके ना तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। हाँ मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अननेसेसरी ड्रामा।
मूड और टी शर्ट दोनों खराब हो गए, चेंज करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी जी, वॉशरूम कहाँ? अंधा है बुआ, तेरे को दिखता नहीं, पूरी साड़ी मेरी खराब कर दी। अरे साड़ी के बच्चे, ये देख पूरी साड़ी गीली कर दी। अजीब सरफरी लड़की है, पहले कुशल को थप्पड़ मारा फिर मुझसे ऐसी रुड़ली बात की। डैड ने इनवाइट नहीं किया होता ना तो बताता उसे। बहुत कैसी पार्टी है, एक से एक बदतमीज लोग हैं यहाँ। ओ हेलो, तमीज तुम्हें नहीं है, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया, तुम मेरे रूम में आई हो। ये तुम्हारा रूम है? तो उस पागल वेटर ने मुझे वॉशरूम के लिए यहाँ भेज दिया। इस घर में सब पागल है। सबका तो पता नहीं लेकिन हाँ एक का तो कन्फर्म है। वैसे नौक करके आने का रिवाज नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ? मुझे पता है लड़कियां मुझसे मिलने के लिए तरसती है पर तुम तो सीधा रूम में। ओह, अपनी शक्ल देखी आईने में? अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी होते ना तब भी मैं तुमसे मिलने नहीं आती। बड़े आए खुद को रॉकस्टार समझने वाले, बहुत देखे तुम जैसे। सबको ऐसी देखा है बिना शर्ट के। करोगी क्यों? मुझे लगा कि तुम ये एक्सेंट समझ में आएगी, वो तुम बाहर से हो तो। बाहर मेरे जैसे बहुत है इसलिए बाहर वालों का एक्सेंट नहीं आया। थैंक गॉड, वरना मुझे एवरीडे हॉलीवुड मूवीज देखनी पड़ती। बेटा क्या बात है रणवीर, खाने की इतनी वैरायटी।
आज तो मैं चुन चुन के खाऊंगा। चले प्लेट तो ले ले। क्या हुआ? वहाँ रणवीर। कौन है ये? ये हमारे ड्राइवर का बेटा है। पापा ने इसे हमारे साथ भेजा है हमें ले जाने और लाने के लिए, प्लस हमारा ख्याल रखने के लिए। पर देखो तो सही, इसे अपने में ही बिजी है। इट्स ओके, खाने तो खा रहा है। मुफ्त की कोई चीज नहीं छोड़ते ऐसे लोग। क्या पता खाने के साथ साथ ड्रिंक भी कर लिया हो, और खा पी के अगर ये ऐसे ड्राइव करेगा तो पता नहीं शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है हमारा। यू वेट हियर, मैं आता हूं। ये आप पालक नहीं भाजी से तन गमे इतने? हां पनीर ना चाहिए। ये वो फोन आ गया ना बच्चों का, पहुंच गए ने? फिक्र मत करो बा, रणवीर साथ में गया है ना, सब ठीक से पहुंचे गए होंगे वो लोग। हर्षद, आज अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो एक पार्टी तो मैं यहाँ दे दूंगी इस खुशी में। लोग सही कहते हैं बा, जिस घर में बेटियां होती हैं ना उस घर में वक्त सबसे जल्दी दौड़ता है। अब देखो ना बा, कब हमारी बेटी की उम्र शादी की हो गई पता ही नहीं चला। शादी की उम्र का पता नहीं चला, पर उसकी शादी का पूरे शहर को पता चलेगा। ऐसी शादी करवाऊंगी ना, वो आजकल चल रहा है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग? हाँ वो वही करेंगे। पर मुझे नहीं लगता बा वो ऐसी किसी शादी के लिए राजी होगी। हाँ क्यों नहीं राजी होगी, उसे तो खुद ये सब बहुत पसंद है। अरे तू तो देखना तो सही, सर से पांव तक गहनों से लाद दूंगी अपनी बच्ची को। पर उसे कहाँ पसंद है सब बात, आप तो जानती ही हो उसे, बिल्कुल सादगी बिल्कुल सिंपल पसंद है उसे सब कुछ। और मेरा भी यही मानना है बाप कि असली खूबसूरती तो सादगी में ही होती। ए तू तो सादगी की बात ही मत कर, तेरी बाइडी को देखने वाइफ घर में भी टिप टॉप बन के घूमती है, जैसी माँ वैसी बेटी है ना। ठीक है बाप, जैसा आप कहो। मेरी पर मेरी ईशा ईशा को तो ईशानी की बात कर रहा था। हाँ बा, पर आप ये दिशा की बात क्यों कर रहे हो? उसी की बात करूंगी ना, वो इस घर की बेटी है, तेरा खून। पर ईशानी भी बा, ईशानी सिर्फ इसका खून है, वो इस घर की बेटी नहीं है। अर्शद ऐसी बात मत बोलो बा प्लीज, दोनों ही इस घर की बेटियां हैं और मैंने कभी भी दोनों में कोई फर्क नहीं किया है। फर्क है हर्षित, फर्क है। ये ईशानी को अपने साथ दहेज में लाई और साथ रहने से कोई इस घर का सदस्य नहीं हो जाता। अगर ऐसा ही होता तो सालों से साथ रहने वाले नौकर वो भी इस घर के ही हो जाते ना। अगर ऐसी बात है बात तो क्या फाल्गुनी भी इस घर की सदस्य नहीं है? ये भी तो किसी और घर से इस घर में आई है ना बात। बहस मत करना अर्शद। बहस नहीं कर रहा हूं बाबा, मैं तो वही बोल रहा हूं जो आपसे सीखा है। मैं सबसे बड़ा लड़का था ना बा, पर मेरे बदले आपने मितेश को पढ़ाया लिखाया क्योंकि वो मुझसे ज्यादा होशियार था। नहीं नहीं, मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना बा, क्योंकि आप सही कहते थे कि इंसान को सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो जिस लायक होता है उसको उसके हिसाब से ही सब कुछ मिलता है। तो बस ईशानी दिशा से बड़ी भी है और लायक भी है, तो उसको भी उसका हक मिलना चाहिए ना बा। उसके हक से ज्यादा मेरी जुबान है। मैंने दिशा को जुबान दे दी है कि उसकी शादी चिराग के साथ होगी, बात खत्म। For
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.